यानी सामाजिक विज्ञान की टीजीटी की पोस्ट के लिए कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्टों की अपनी अपनी कंडीशंस होती है दोस्तों। लेकिन अगर आप बात करेंगे टीजीटी एसएसटी की, तो यहां सबसे ज्यादा कंडीशंस अप्लाई होती हैं, क्योंकि कई सारे सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं जो टीजीटी वाले बच्चों के लिए होते हैं, बाकियों से थोड़ा टफ होता है। बीएड आपने कर लिया, ग्रेजुएशन आपने कर लिया, सीट ने कर लिया, लेकिन वहां भी गारंटी नहीं है कि आप केवीएस टीजीटी एसएसटी में अप्लाई कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी उलझन यहां बच्चों को होती है। तो आज की, हालांकि एज हुआ बाकी सारे, तो मैंने एक पूरी वीडियो में बनाई दी थी सभी सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन यहां हम सिर्फ एसएसटी वालों के कॉम्बिनेशन को एक बार देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसलिए अगर आपको पता चल जाता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बाद तैयारी अच्छे से हो पाती है, कॉन्फिडेंस हो पाता है और हम मेहनत कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वालिफिकेशंस एंड मार्क्स के बारे में क्या कहा गया है, वो आप एक बार इसमें देख लीजिए। सबसे पहले ये चार रूल्स हैं जो टीजीटी एसएसटी के लिए हैं, ये केवीएस का जो पिछला नोटिफिकेशन था कंप्लीट है, यही रहेगा, 1% भी चांस नहीं है कुछ भी बदलने का, ये हम आप लोगों को गारंटी देते हैं, एक प्रकार से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला रूल क्या है। सबसे पहला रूल है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कैंडिडेट नीचे दिए गए जो सब्जेक्ट हैं उनमें से दो सब्जेक्ट उसके पास होने चाहिए, हिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड वन सब्जेक्ट आउट ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड आल्सो एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। अब देखिए बिल्कुल साफ साफ बात है, आपका जो हिस्ट्री है वो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए और हिस्ट्री में आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, अगर 50 से कम है तो एलिजिबल नहीं है। पहली कंडीशन, हिस्ट्री आपका ग्रेजुएशन में हो और 50% नंबर आपके हिस्ट्री में होने चाहिए। दूसरी बात, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में हो और जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में आपके 50% नंबर होने चाहिए, और इस सब के साथ साथ ग्रेजुएशन में भी आपका 50% होना चाहिए। ये पहला रूल है, ये पहला रूल है। अगर आप ये अप्लाई, आपका ये पूरा नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बाकी रूल्स में आप फिट हो सकते हैं। सबसे पहले कहा हिस्ट्री आपका ग्रेजुएशन में हो, 50% नंबर हिस्ट्री में हो, उसके अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस में से कोई एक हो और उसमें भी 50% नंबर हो, और ओवरऑल ग्रेजुएशन में भी 50% होना चाहिए। ये है रूल नंबर एक। अगर आप इस पे खड़े नहीं उतरते हैं, ये आपका नहीं है, तो आइए दूसरा आते हैं। दूसरा है ज्योग्राफी विद 50% मार्क्स विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड also at least 50% marks in graduation। आपका ज्योग्राफी ग्रेजुएशन में है 50% नंबरों के साथ, और उसके अलावा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस 50% इनमें से कोई एक में होने चाहिए, और आपका ग्रेजुएशन पूरा 50% से होना चाहिए, यह कंडीशन दूसरी है। अगर आप यहां पर, इससे पहले मैं बता दूं स्टडी मटेरियल हमारा पूरे भारत में बाय कोरियर जाता है, बाद में मैं दिखा भी दूंगा कि कैसा मटेरियल है, क्या क्या चीजें होती हैं। आइए उससे पहले हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर आपकी ये पूरी नहीं हो पाती है, तो फिर कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है ज्योग्राफी हिस्ट्री शुड हैव बीन स्टडीड इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। यहां यह कहते हैं कि ग्रेजुएशन और हिस्ट्री, ग्रेजुएशन के अंदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों साल पढ़ा होना चाहिए और दोनों सब्जेक्ट में 50% नंबर होने चाहिए 50, और ग्रेजुएशन में भी 50 हो। दोस्तों एक जरूरी बात यह है कि पिछली बार हमारे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी के लेवल के अंदर 57 बच्चों ने इंटरव्यू को फेस किया था, अब की बार हमारी कोशिश है कि 150 का लक्ष्य हम रखें, बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलाने का अब की बार का प्लान है, चाहे ऑनलाइन वाले बच्चे हों, चाहे ऑफलाइन वाले बच्चे हों, चाहे स्टडी मटेरियल वाले हों, चाहे पुराने स्टूडेंट्स हों, कोशिश रहेगी सबको सिलेक्शन तक ले जाने की। अगर ऊपर वाले दोनों शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो तीसरी कंडीशन क्या है, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री, अगर आपका हिस्ट्री में ऑनर्स डिग्री है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस इन फर्स्ट एंड
or second year of the graduation with at least 50% marks in history in aggregate and at least 50% marks in the other subject indicated above at graduation level and also at least 50% marks in aggregate at graduation level. अब ये कहता है कि अगर आपका history honors है तो candidate should have studied geography, economics, poll science in first and or second year of graduation. ये subject student के पास, candidate के पास first year, second year के दौरान होने चाहिए और 50% number history में aggregate हो और बाकी subjects में भी 50% number aggregate होना चाहिए और overall graduation भी आपका 50 वाला होगा. तो condition जो last है वो ये कहता है कि similarly in case of honors degree in geography, इसी प्रकार अगर आपका geography में honors degree है, the candidate should have studied history, economic, poll science. Understand? जैसे वहां कहा था ना कि अगर history honors है तो geography, economics और poll science में होना चाहिए. Same यहां है कि अगर geography आपका honors में है तो history, economic और poll science आपका first और second year में हो और geography में 50% number होने चाहिए और जो दूसरा subject है जो भी आपके पास है वहां भी आपका 50 हो और एग्रीगेट भी आपका 50 हो. ये चीजें आपको देखनी है. पोल साइंस और इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों के लिए समस्या होती है तो ये आप लोग देख सकते हैं. बीकॉम वाले बच्चे हैं उनको भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं तो ये चीज आप लोगों को यहां पर सोचनी है क्योंकि एक्चुअली हमारा जो कॉलेज सिस्टम है ना वहां प्रॉब्लम आ रही है. वहां प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हमने रिक्रूटमेंट के रूल तो बना दिए, रिक्रूटमेंट के रूल तो हमने बना दिए. मैं एक बार ये डिस्कस कर देता हूं फिर मैं ये बात करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. सबसे पहले मैं बता दूं कि ये स्टडी मटेरियल हमारा स्कूल में आपको पूरी हर सब्जेक्ट की, हर सेशन की अलग अलग बुकलेट मिलेगी, हिंदी की, इंग्लिश की, स्टडी सब की, और आप अपना नाम, अपना सिटी और अपना सब्जेक्ट, ये तीनों चीजें लिख करके हमें इस नंबर व्हाट्सएप कर दे, आपको जरूरी जानकारी शेयर होती रहेगी. अब मैं बताता हूं कि ये क्यों होता है, क्योंकि यहां पर आप देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी इनको तो ऑनर्स वालों को भी परमिशन मिल गई लेकिन जो पोल साइंस इकोनॉमिक्स है वो लोग फंस गए. जो बच्चे बीकॉम करके आते हैं, क्योंकि आर्ट, बीकॉम और साइंस ये तीनों स्ट्रीम आपके पास होते हैं, साइंस वाले साइंस मैथ की तरफ चले जाते हैं टीजीटी में और आर्ट वाले जो हैं वो आपके एसएसटी की तरफ आ जाते हैं. अब जो बीकॉम वाले बच्चे हैं वो साइंस की तरफ ना जाकर के वो एसएसटी की तरफ आते हैं. लेकिन आप सोचिए जो आपका ग्रेजुएशन सिस्टम है, जो कॉलेज सिस्टम है, वहां आपको यह नहीं बताया जाता कि यह सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो आपको यहां काम आएगा, ना हमें पता होता है कि यह सब्जेक्ट यहां पढ़ेंगे तो हमारा फायदा होगा और यह छोड़ दिया तो आगे नुकसान होगा. अब जब आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया तो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी दिक्कत आएगी. अब आगे आपके पास पीछे लौट के जाने का कोई रास्ता नहीं है तो यह सबसे बड़ी दिक्कत है. हमने रिक्रूटमेंट भर्तियों के रूल तो बदल दिए लेकिन कॉलेज सिस्टम के, ग्रेजुएशन के, टेंथ के, ट्वेल्थ के वो रूल हमने अब तक चेंज नहीं किए. तो बेसिकली होना ही चाहिए कि रूल्स नीचे से चेंज होने चाहिए ताकि नीचे से चेंज करो, बच्चे उस चेंज के आधार पर पढ़ते जाएं और फिर आगे आने वाले रूल आप ऑटोमेटिकली चेंज पाओगे. तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है. तो इसके लिए बच्चे कभी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट अलग से करते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट अलग से करते हैं, कॉम्बिनेशन को बनाते हैं, तो ये सारी दिक्कत आती है. तो हम कोशिश करेंगे हर बच्चे को पूरी मदद की जाए. तो ये आप ना भूलें, अपना नाम, सिटी और सब्जेक्ट, ये तीनों नंबर लिख के, तीनों चीजें लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दे 8447410108. किसी भी प्रकार का डाउट पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आप लोगों के लोग होते हैं उनको रिप्लाई जरूर दे. धन्यवाद.